आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। 3 माह से वेतन की मांग को लेकर पिछले 3 दिनों से धरने पर बैठे ठेका कर्मचारियों ने संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे कमिश्नर अमित गुप्ता की गाड़ी का घेराव कर वेतन की मांग की, जिस पर कमिश्नर ने कर्मचारियों को डीएम से बात करने का आश्वासन दिया। फतेहाबाद नगर पंचायत में कार्यरत ठेका कर्मचारियों को पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते कर्मचारियों के परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। 3 दिन से धरने पर बैठे कर्मचारियों का गुस्सा शनिवार को फूट पड़ा। 3 माह का वेतन नहीं मिला मुझे, चेयरमैन साहब हमें तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, उनको बार बार बोल रहे हैं कि तनख्वाह दो, वो कहते हैं SDM साहब के पास जाइए, SDM कहते हैं चेयरमैन साहब के पास जाइए। अभी ठेकेदार का एक फायर पहचान करने से इनकी क्या परेशानी है, हम बोल रहे हैं कि साइन कर दो, उनका भी मतलब हमारी तनख्वाह बढ़ जाएगी, वो साइन कर देंगे हम तो उनकी तनख्वाह भी हमारी तनख्वाह सैलरी बढ़ जाएगी सर। और सभी कर्मचारी तहसील मुख्यालय फतेहाबाद पहुंच गए, जहां संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचकर कमिश्नर अमित गुप्ता की गाड़ी का घेराव कर कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं कमिश्नर ने सफाई कर्मचारियों की समस्याएं सुनी तथा जिलाधिकारी से बात करने का आश्वासन दिया। आज विगत दिनों करीब आज तीसरा दिन है समस्त सफाई कर्मचारी ठेका के नगर पंचायत फतेहाबाद परिषद में धरने पर बैठे थे। SDM साहब से भी कई बार वार्तालाप हो चुकी है, DM साहब को भी लिखित में पत्र दे चुके हैं ये लोग, लेकिन नई सुनवाई होने के बाद आज सूचना मिली थी कि सफाई कर्मचारियों को कमिश्नर साहब तहसील में आ रहे हैं तहसील दिवस के अवसर पर, तो सभी कर्मचारी सभी इकट्ठा होकर के तहसील में आए, माननीय आपके कमिश्नर साहब के सामने इनका अपना बात समस्याओं को रखा और कमिश्नर साहब ने अभी कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला, तो सभी कर्मचारियों ने मिलकर के कमिश्नर साहब के गाड़ी का घेराव भी किया, गाड़ी के आगे लेट गए, उनके पैरों में पड़ गए। सफाई कर्मचारियों का कहना था कि जब तक उनकी वेतन की मांग पूरी नहीं होती तब तक धरना जारी रहेगा। सी न्यूज़ के लिए फतेहाबाद से मनोज शर्मा की रिपोर्ट।